हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों, जो इरिगेशन पाइप्स हैं वो कितने प्रकार के हैं और किस टाइप से होते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका क्लैंप है, दोनों तरफ हुक है, और जो इसका जो जॉइंट्स वाला भाग है वो इस तरह से है। इसमें यहाँ यहाँ पर वो हुक फंस जाती है और अंदर पर एक वाशर लगा होता है यहाँ पर, रबड़, जो कि लीकेज को रोकता है। तो कुछ एक तरीके का ये पाइप हुआ दोस्तों, और दूसरे तरीके का पाइप मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों सेम साइज में, यानी कि ये 63 mm का होता है पाइप और एक 75 mm का, तो ये 75 mm का पाइप है। ये देखिए कुछ इसमें इस तरह से अंदर में वाशर लगे हुए हैं, और इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है। इसका जो क्लैंप है वो कुछ इस तरह का है, इसे स्लीक क्लैंप कहा जाता है। और इसका जो एक और भाग है वो कुछ इस तरह का दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी क्लैंप नहीं है, क्योंकि उसके जो वो वाले भाग है उसमें डायरेक्ट क्लैंप दिया हुआ होता है। इसमें कुछ इस तरह के लॉक केबल वाली जगह बनी हुई है। तो जब हम दोस्तों इस पाइप से नॉर्मल पाइप में हम लगाते हैं, तो इसे हमें दोस्तों एक चेंजर की मदद से चेंज करना होता है। और जो ये वाली पाइप है वो आजकल प्रोडक्शन में है, तो हमें पुराने पाइप्स भी हमारे जो है उसे भी यूज़ करना होता है। तो उसके लिए दोस्तों एक चेंजर आता है, वो कुछ कैसा दिखता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ और किस तरह से फिट होता है। ये देखिए, ये सी क्लैंप वाला जो पाइप है वो कुछ इस तरह से फंसता है यहाँ पे, नॉर्मल क्लैंप की अपेक्षा ये थोड़ा अलग होता है और इसके निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का चेंजर है, ये इसे कन्वर्टर भी कह सकते हैं आप, जो कि एक तरफ जो आप देखेंगे कि पुराना जो पाइप होता था पहले का, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता था जिसमें क्लैंप की आवश्यकता पड़ती थी इस तरह की। तो आजकल जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग की पाइप है वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें क्लैंप इस तरह का इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए दोस्तों हमने चेंजर का इस्तेमाल करना होता है, और इस तरफ को आप नॉर्मल पाइप में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद से आप आगे की जो पाइप फैलाएंगे उसे हम जो नई अभी की पाइप है, नए डिज़ाइन की पाइप यानी कि सी क्लैंप वाली पाइप, उसे आप फैला सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पुराने डिज़ाइन का नया पाइप है, कुछ इस तरह से इसका क्लैंप होता है जो कि दो जगह फंसता है। तो इसके बाद हमें अगर दोस्तों सी क्लैंप वाला पाइप ज्वाइन करना है, तो हमें पहले ये चेंजर लगाना होगा ताकि हम इसे जोड़ सकें। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगा, ये देखिए। उसके बाद दोस्तों आगे आप सी क्लैंप वाली पाइप जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्लैंप है वो कुछ दूसरे डिज़ाइन का है और ये कन्वर्टर की तरह काम करता है। और इसी तरह दोस्तों एक इसका जो उल्टा आप देख पाएंगे वो भी कनेक्टर हमारे पास है, वो कुछ इस तरह का दिखता है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे सी क्लैंप के बाद का जो पाइप है, हमें नॉर्मल पाइप अगर ज्वाइन करना है तो उसका जो चेंजर है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए, जिसमें एक तरफ क्लैंप लगाने का सिस्टम दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्लेन है। ये देखिए, अगर आप सी क्लैंप से नॉर्मल पाइप में जोड़ना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का चेंजर आपको मिलता है, जो कि एक एक भाग जो है उसका यहाँ पर जुड़ता है। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा ये। उसके बाद ये दोस्तों नॉर्मल पाइप में आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी जगह दी हुई है कि पुराने पाइप से आप क्लैंप लगा सकते हैं। तो ये कुछ दो प्रकार के चेंजर्स होते हैं इस पाइप में, और ये पाइप की दुकान पर आपको मिल जाते हैं। तो इसे दोस्तों सी क्लैंप वाली पाइप कही जाती है और इसे नॉर्मल क्लैंप वाली पाइप अभी कही जाती है। तो इस चेंजर के माध्यम से आप पुराने पाइप, नए पाइप, इन सबको जॉइंट कर सकते हैं। और इन पाइप्स के जो जो डिज़ाइन है उसे स्प्रिंकलर इरिगेशन पाइप कहा जाता है। काले कलर के होते हैं ये मैक्सिमम, और हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर इरिगेशन में काम आती है अभी रबी फसल वाले फसलों में।
उसके बाद धान की फसल में तो आप इसे दोस्तों फ्लड इरिगेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।